ओम सूर्य देवताय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube के इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल पे आपको आयुर्वेदिक पौधों की पहचान करवाते हैं, साथ में उनके आयुर्वेदिक गुणों के बारे में भी आपको बतलाते हैं। तो दोस्तों, उसी कड़ी में आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं बहुत ही शानदार, और इस पौधे को आप अपने घर पर भी गमले पर बहुत आसानी से लगा सकते हैं, जिसका नाम है नींबू घास। जी हाँ दोस्तों, इसको लेमन ग्रास के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह जो पौधा होता है दिखने में एक प्रकार की घास जैसा ही होता है, जिसको आप अपने घर पर बहुत आसानी से लगा सकते हैं, और यह किसी भी नर्सरी में आपको आसानी से खरीदने को मिल जाएगा। दोस्तों, यह जो पौधा होता है जितनी सहजता से यह आपको मिल जाता है, उतने ही यह आयुर्वेदिक गुणों को अपने में रखता है। तो दोस्तों, यह बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में सक्षम होती है। तो आज हम आपको इसके कुछ आयुर्वेदिक लाभ के बारे में बतलाएंगे, इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा के ऑन कर दीजिए। साइड में जो घंटे का बटन दिख रहा है इसको भी दबा करके आप ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो आसानी से मिलते रहेंगे और आप इन वीडियो को जल्दी देख पाएंगे, सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लेमन ग्रास एक औषधीय पौधा होता है जो कि एकदम घास जैसा ही दिखता है। इसके पत्ते की लंबाई जो होती है वह घास की जैसी ही होती है, यानी लंबी लंबी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप इसके पत्तों को तोड़ करके अपने हाथों से मसलेंगे तो दोस्तों इसमें से नींबू जैसी सुगंध आती है, इससे इसकी पहचान हो जाती है कि यह लेमन ग्रास का पौधा है। लेमन ग्रास में दोस्तों प्रचुर मात्रा में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फ्लेमेंट्री व एंटी फंगल जैसे औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सोडियम जैसे विभिन्न तत्व इनमें बहुत ही मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके कुछ आयुर्वेदिक लाभ के बारे में। दोस्तों, आयरन की भरपूर मात्रा होने के कारण लेमन ग्रास का उपयोग एनीमिया के रोगियों के लिए बहुत ही शानदार होता है। जिनको एनीमिया की शिकायत होती है वो लोग अगर रोजाना इसकी चाय बना करके या इसके दो चार पत्तों का काढ़ा बना करके सुबह शाम अगर पीते हैं तो यह एनीमिया को जड़ से दूर कर देता है और आपके शरीर में खून को बढ़ाने में मदद करता है। पेट संबंधित समस्याओं के लिए भी बहुत ही शानदार होती है, जैसे कि पेट दर्द होना, गैस, पेट का फूलना, कब्ज, अपच, जी मचलाना या फिर उल्टी आना जैसी समस्याओं में भी आप इसकी चाय में थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल करके पीने से संबंधित, पेट से संबंधित सभी प्रकार के रोग समाप्त हो जाते हैं और पेट दर्द से यह आपको निजात दिला देता है। सिर दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया बात का दर्द या शरीर के सभी प्रकार के दर्दों को निजात दिलाने का कार्य करता है। अगर आप लेमन ग्रास की तेल को मालिश करते हैं, यानी इसका जो तेल होता है वो आसानी से आपको मार्केट में मिल जाता है, आप पंसारी की दुकान से लेमन ग्रास का तेल ले सकते हैं और उससे अगर आप मालिश करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खासकर जिन लोगों को गठिया बात का दर्द रहता है, जोड़ों का दर्द रहता है, जो हमारे दादा दादी रहते हैं जो कि 50 से ऊपर हो जाते हैं, उनके लिए लेमन ग्रास का जो तेल होता है बहुत ही शानदार होता है। अगर आप इसके तेल से मालिश करेंगे तो यह दर्द को खींच लेता है और आपको मेडिसिन लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। अगर आपको रात के समय नींद नहीं आती और आप नींद की गोलियों का सेवन करते हैं तो दोस्तों आप नींद की गोलियों का सेवन करना बंद कर देंगे अगर आप लेमन ग्रास का उपयोग करते हैं। लेमन ग्रास में हिप्रोटिस गुण पाया जाता है, जिसके कारण अगर आप रात को सोने से पहले इसकी चाय बना करके पीते हैं तो यह मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को शांत करता है, जिसके कारण आपको अच्छी नींद आती है। अगर आपके मूत्र मार्ग में बार बार संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण आपको पेशाब करने में जलन होती है या खुलकर के पेशाब नहीं आती, बार बार पेशाब जाते हैं, तो दोस्तों आप दिन में 3 बार लेमन ग्रास की 2 से 3 पत्तियों का काढ़ा बना करके अगर पी लेते हैं तो बहुत जल्दी है आराम दिला देता है और आपकी मूत्र जो है वो खुल करके आने लग जाती है। शरीर के वजन को भी कम करने के लिए यह औषधि बहुत ही चमत्कारी मानी जाती है। यह आपके पेट में जमा होने वाली अवांछित चर्बी को नष्ट करता है, जिसके कारण शरीर में यह फैटी एसिड के ऑक्सीकरण को बढ़ाता है, जिसके कारण आपका वजन कम होने लग जाता है। दिन में 2 टाइम इसकी चाय बना करके उसमें थोड़ा सा शुद्ध शहद, 1 से 2 चम्मच शुद्ध शहद डाल करके अगर आप सेवन करते हैं तो यह आपके वजन को कम करता है, फैट को कम करता है और आपको एकदम स्लिम बनाता है। सर्दी खांसी जुकाम होने पर भी आप इसकी चाय बना करके पी लेंगे तो यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है, जिसके कारण यह आपको बीमार नहीं पड़ने देता और अगर आप सर्दी खांसी जुकाम से संक्रमित हैं तो यह उनको भी बहुत जल्दी ठीक कर देता है। तो दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आप लेमन ग्रास का उपयोग कर सकते हैं।
जिन लोगों का पसीना बहुत ज्यादा बदबू आती है, देखा होगा आपने कि किसी किसी लोगों का जो पसीना होता है बहुत ज्यादा उसमें से बदबू आती है, तो वो लोग इसकी चाय में एक से दो इलायची डाल करके दिन में दो बार इसकी चाय बना करके अगर सेवन करते हैं तो ये शरीर से बदबू की जगह खुशबू आने लग जाती है और उन्हें परफ्यूम की जरूरत भी नहीं पड़ती। सच में यह बहुत ही शानदार काम करता है। आप लोगों ने जाना होगा कि पहले के जो प्राचीन ऋषि मुनि हुआ करते थे वो लोग ना तो परफ्यूम और ना ही किसी प्रकार के इत्र का इस्तेमाल करते थे, उनके शरीर में ही एक इस प्रकार की खुशबू रहती थी जिससे लोग वशीभूत हो जाया करते थे। तो दोस्तों आप परफ्यूम का इस्तेमाल ना करें, ना ही किसी प्रकार के इत्र का इस्तेमाल करें, नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को इस प्रकार रिकवर करें कि उसमें से ही खुशबू आपकी आने लगेगी, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण होता है दोस्तों इलायची। अगर आप इलायची का सेवन रोजाना करते हैं तो भी यह आपके शरीर से खुशबू आने लग जाती है, और अगर आप लेमन ग्रास में डाल करके पीते हैं तो दोस्तों सोने पर सुहागा हो जाता है। इसलिए आप लेमन ग्रास जब भी आप चाय बनाएं तो उसमें एक से दो इलायची डाल करके ही इसका सेवन करें। दोस्तों लेमन ग्रास का पौधा आप बहुत ही आसानी से एक छोटे से गमले पे आप अपने लगा सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं हमने भी इसको छोटे से गमले में लगा रखा है और इसके फायदे हम रोजाना लेते हैं। तो आप भी अपने घर पे लेमन ग्रास का पौधा लगाइए और इसके लाभ स्वास्थ्य लाभ रोजाना लीजिए। दोस्तों वैसे तो ये बहुत सारी औषधियों में काम में भी आती है और बहुत सारे रोगों को ठीक करने में सक्षम होती है। आज हमने आपको इसके कुछ आयुर्वेदिक लाभ के बारे में बताया। दोस्तों इससे जुड़ी अगर जानकारी अगर आपके पास में हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे साझा जरूर करें। दोस्तों ऐसा करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरे को भी शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा करके सब्सक्राइब हो जाइए। साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा करके ऑन कर दीजिए जिससे आपको हमारे सभी आयुर्वेद से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और आयुर्वेदिक पौधे और उसके उपचार के साथ में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, हर हर महादेव।